नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अमेठी के जगदीशपुर में हज और वक्फ बोर्ड मंत्री मोहसिन रजा ने दौरा किया। इस दौरान वो खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचे और विकास के कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री के कार्यालय पहुंचते ही विभाग में हड़कंप मच गया। इस दौरान मंत्री मोहसिन रजा ने अधिकारियों से विभागीय जानकारी ली और संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर कर्मचारियों से स्पष्टीकरण देने का निर्देश भी दिया है। मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि यूपी की योगी सरकार यूपी का तेजी से विकास करवा रही है। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। इस दौरान मंत्री ने बीजेपी के एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहाँ उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। जो भी कार्य किए हैं उसकी सूची भेजें, कितने लोग आए, कितने लोगों को काम एवं निस्तारण किया, कितने लोगों ने एप्लीकेशन दी, क्या काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो सब स्पष्टीकरण मांग लिया है। लेकिन जो लोग आए हैं और ज़्यादातर लोगों को मैं पूछ रहा हूँ तो दो एक लोग आए और बाकी लोग तो नहीं मुझे मिले हैं। तो इसका मतलब ये है काम तो सुचारू रूप से चल ही रहा है, लेकिन अधिकारी का ना होना यहाँ पर उसका कारण जरूर बताना पड़ेगा उनको क्यों नहीं। बागपत के दोगर थाना क्षेत्र में एक मंदिर में साधु का शव मिला है। साधु का शव मंदिर की ऊपरी मंजिल के एक कमरे में पड़ा मिला। शव होने की जानकारी तब मिली जब कमरे से बाहर बदबू आने लगी। इसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए SSP ने कहा कि घटना के हर पहलू की गहराई से छानबीन की जाएगी। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो सकेगा। साधु की नैसर्गिक मौत हुई है या उसकी हत्या की गई है। SP ने बताया कि साधु का नाम कमलनाथ है और वो पिछले 15 सालों से इस मंदिर में रह रहे थे। दोघट द्वारा बताया गया है, एक सूचना मिली है, कान्हड़ गांव में एक शिव मंदिर है, वहाँ एक बाबा जी रहते थे और वो कभी कभी मंदिर से बाहर भी घूमने जाया करते थे, लेकिन इधर उनको कोई देखा नहीं था। लेकिन वो बताया लगभग 10-15 दिन हो गया और उनकी डेड बॉडी मिली है मंदिर में, तब वो मौके पे गए हैं, आवश्यक कार्रवाई करवा रहे हैं। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को 3 तलाक दे दिया और मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मामले पर जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि जब से उसकी शादी हुई है तब से ही ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। पीड़िता ने बताया कि चूंकि उसका ससुर दरोगा है, इसलिए वो पीड़िता को धमकाया करता था कि दहेज नहीं दिया तो झूठे मामले में फंसा कर उसको जेल भेज दिया जाएगा। पीड़िता ने दहेज उत्पीड़न की शिकायत पुलिस से की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र की स्थानीय निवासी हैं, जिनका नाम सिफा और मर्जीना है। इन्होंने अपने पति और उनके परिजनों के विरुद्ध 3 तलाक का और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखवाया गया। ये अभियोग कल ही पंजीकृत किया गया, इसमें विवेचना की जा रही है और शीघ्र इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी। देश भर में आए दिन मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। वैसा ही एक ताजा मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां 12 से भी ज्यादा लोग एक बुजुर्ग व्यक्ति पर टूट पड़े। भीड़ ने बुजुर्ग के साथ जमकर मारपीट की और उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इसके आधार पर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ में DM ने मानवता की मिसाल पेश की। DM ने 100 साल से ऊपर की बुजुर्ग महिला को 2000 रुपए दिए और उनको कंबल और शॉल भी दी। बुजुर्ग महिला ने बताया कि DM उनकी बहुत मदद करते हैं। वृद्धा ने बताया कि DM उनको हर महीने 2000 रुपए देते हैं और आज उन्होंने ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े भी दिए। बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने DM से आवास की मांग की थी, जिस पर DM ने उनसे कहा था कि जल्द मकान की भी व्यवस्था की जाएगी। बुजुर्ग महिला ने बताया कि DM साहब उनको माँ मानते हैं और वो भी को बेटी की तरह से ही प्यार और आशीर्वाद देती है। आजमगढ़ के बिलरियागंज में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ एक निजी कॉलेज के कुछ छात्रों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन DM को सौंपा है। इस ज्ञापन के जरिए छात्रों ने DM से FIR वापस लेने की मांग की है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले क्षेत्र के एक पार्क में CA और NRC के विरोध में महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। उनके इस प्रदर्शन में पुलिस ने पार्क में पानी भर दिया था और कई बेगुनाहों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब इस मामले में छात्रों ने घटना की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बागपत में वन क्षेत्र अधिकारी का रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हुआ है, जहां वन क्षेत्र अधिकारी हरे पेड़ कटवाने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। इस दौरान 400 रुपए की रिश्वत देकर युवक ने वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। वहीं इस दौरान वन विभाग में हड़कंप मच गया। इस मामले में वन विभाग के अधिकारी ने मामले की जाँच करा कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वायरल हुआ है जिसमें पैसे लेने की बात सामने आ रही है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया हुआ है। सुबह सुबह
मुझे जानकारी हुई है इस बात की, तो इस बारे में इसकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद वास्तव में अगर ऐसा हुआ है तो दोष के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ के अंदू थाना क्षेत्र के एक बाग में गौवंश का लावारिस शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन की। पुलिस ने मृत पशु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गौवंश गर्भवती थी और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। ललितपुर में सायगर हाईवे के पास एक युवक का शव गाड़ी से बरामद हुआ है, जिसके बाद इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतक की शिनाख्त मध्य प्रदेश के एक व्यवसायी के रूप में हुई है। वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल की छानबीन शुरू कर दी है। थाना अंतर्गत एक कार के अंदर एक व्यक्ति की बॉडी मिली है, उसकी शिनाख्त हुई है जो देवेंद्र राजपूत के रूप में, और ये रहने वाले सागर डिस्ट्रिक्ट के हैं। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई है, गहनता से छानबीन की जा रही है। प्रकरण की वैधानिक कार्रवाई हम सुनिश्चित कर रहे हैं। हापुड़ के थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रहे एक टैंकर ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तेजपाल सिंह जी थे, ये ड्यूटी करके जा रहे थे ऑटो से अपने घर के लिए, गंदो नगरे के लिए। रास्ते में एक ट्रक से इनके एक्सीडेंट हो गया, जो कि ये बैठे हुए थे थ्री व्हीलर में, थ्री व्हीलर उससे टकरा गया, इनकी मौके पे डेथ हो गई।